दोस्तों, क्या आप भी 2018 के बाद मैट्रिक किए हैं? क्या 2018 के बाद आप 12th किए हैं? अगर किए हैं या आपकी फैमिली में या कोई अदर किए हैं, तो किस तरह आप ऑनलाइन अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार बोर्ड से, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे पूरी चीज विस्तार से। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे काम करेगा और कैसे आप ओरिजिनल मार्कशीट और अपना सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड का निकाल सकते हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे गूगल पे आएंगे, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है डीजी लॉकर। यहाँ पे मैं लिख लेता डीजी लॉकर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं डीजी लॉकर रखा, यहाँ पे पहली ऑप्शन आ गई digilocker.gov.in। तो इस वेबसाइट की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे, मैं वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड, अपनी गाड़ी का डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, पैन कार्ड का डिटेल निकाल सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड का डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम, एचपी का है, सीएससी का, इसी तरह यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट सर्विस होते हैं सारी चीज़ का आप यहाँ पे, और सर्किल इंडिया का सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। सभी स्टेट की यहाँ पे अलग अलग दिए गए स्टेट के सर्टिफिकेट होते हैं स्टेट लेवल, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सभी बोर्ड, सभी स्टेट के एजुकेशन बोर्ड की दिए गए, यहाँ बिहार बोर्ड भी दिया गया है, और यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के भी आप डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। उसके लिए यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है 12 अक्षर का अपना आधार नंबर इंटर कीजिए। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया, यहाँ पे आधार कार्ड के अंतिम का 4 अक्षर आपको शो कर देता है। उसके बाद ओटीपी देने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 6 अक्षर का पिन एक बनाने के लिए, यहाँ पे 6 अक्षर का एक न्यू पिन अपने मनपसंद सेट कर लेंगे। पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे डन बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको कह रहा है ईमेल वेरिफिकेशन करने, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे, सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशू, जैसे आप गेट इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड ऑलरेडी इशू है, तो यहाँ पे गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको पूरा सर्विस मिल जाएगा, क्या किस चीज़ का आपको निकालना है। तो हमें बिहार बोर्ड का यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 10th का मार्कशीट और 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अभी 12th का नहीं इसमें दे रहा है, सिर्फ 10th का दे रहा है। तो यहाँ पे मार्कशीट निकालेंगे, तो मार्कशीट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तक इंटरफेस यहाँ पे दिखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है क्लास 10 2018 का मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड मार्कशीट रहेगा, यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से ले लेगा। तो यहाँ आपको मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो देंगे और रोल कोड देंगे और किस साल मैट्रिक पास किए वो आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पूरा डिटेल देने के बाद यहाँ पे टिक मार्का लगेंगे। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे यहाँ पे फेस्टिंग कर डाटा को, उसके बाद देखें यहाँ पे स्टेट क्या कर बिहार स्टेट बोर्ड है वो एग्जामिनेशन, और यहाँ पे एक लिंक हमें दे दिया गया है। यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें यहाँ पे हमारा मार्कशीट अभी दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, अपने लाइव देख सकती है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह आप 2018 के बाद अगर मैट्रिक किए हैं या 19 में या 18 में, तो आप इस तरह निकाल, ये 2019 का है तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल मार्कशीट आप निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ ओके कर लेंगे। इसे आप यहाँ पे एक लिंक भी दिया गया, इस लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मार्कशीट को सेव करने के लिए यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तब ये इशू लिस्ट में आपका मार्कशीट आ गया है। इसी तरह आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालने के लिए गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10 प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड, ईयर देना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल देने के बाद यहाँ पे टिक मार्का लगेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट को ये सर्च कर रहा है, तो ये देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट को भी सर्च कर लिया। यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट करेंगे और यहाँ से अपना व्यू डॉक्यूमेंट करके ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भी आप कहीं भी किसी भी काम में ला सकते हैं बिना किसी
टेंशन की, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया, ये ओरिजिनल प्रोविजन, इसे भी हम इशू डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये इशू डॉक्यूमेंट की लिस्ट में हमें शो करे। अब जब भी हम इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसको बिना कोई रोल नंबर रोल कोड दे। यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे डिलीट करने के लिए डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम अपने सिस्टम में पीडीएफ में ओपन कर रखे, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। इसी तरह आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं जो आपको सर्टिफिकेट मिला था, उसे भी अगर खो जाए तो फिर भी आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा 3 डॉक्यूमेंट इशू हो गया, पहले आधार कार्ड एक था, अब 2 डॉक्यूमेंट मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। इसी तरह अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ से पैन कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके नाम पे। अगर गाड़ी वगैरह तो आरसी सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लाइसेंस आपका बना हुआ है तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर से आपको इशू डॉक्यूमेंट पर जाना है। तो यहाँ पर आपको गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए अगर HP का, गैस कनेक्शन का, या किसी भी बोर्ड का किसी भी तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, या स्टेट लेवल का किसी भी सर्टिफिकेट चाहिए, एडुकेशन का, या बैंकिंग या इंश्योरेंस का किसी भी तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, वो भी ओरिजिनल गवर्नमेंट की इस पोर्टल से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस में अभी बिहार में जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सिर्फ अभी मैट्रिक का डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, कुछ दिन बाद इंटर का भी डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। इसी तरह आप इंटर का भी डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट, इसमें आप खुद का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके आप रख सकते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कभी भी आप लॉगिन करके फिर से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको अपलोड कर दीजिए डिजी लॉकर के अपने अपना अकाउंट पे। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप यहाँ से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अभी एक सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट अपलोड किया तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। यहाँ पे सर्टिफिकेट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, रिमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट ये आपने अपलोड किया है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में आपको सर्च करने में आसानी होगी कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया है, यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी तरह के यहाँ पे सर्टिफिकेट के नाम दिए गए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको बाद भविष्य में दिक्कत ना हो। यहाँ पे शेयर के इसकी MB क्या कब अपलोड हुआ, यहाँ पे इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन भी प्रेस करेंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। तो इस जगह आप देख पा रहे मैंने डिलीट बटन में प्रेस किया, यहाँ से डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, किसी को कोई डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया है भेजा है तो वो आपको यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, इसी तरह इशू कोई डॉक्यूमेंट आपका इशू नहीं उसको इशू करवाने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर का ऐप और ऐप स्टोर आईफोन का भी ऐप का लिंक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना इसी तरह आप मैट्रिक का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन ओरिजिनल बिहार बोर्ड का निकाल सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।